आज का जो अपना न्यू टॉपिक है वो है मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, इसका भी प्रीलिम्स में एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन आता है और डीआई भी आती है इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर में मेंस में क्वेश्चन भी आता है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो इसका आता है, पर बैंक के एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता है। ठीक है, तो अपन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बताता हूँ जैसे क्या होता है। नॉर्मली थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, बेसिक का मीन्स कि हमेशा आपको थोड़ी बहुत ट्रिक पता लग जाएगी, मैं वो चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, दो तरह की टी है जैसे। ठीक है, एक का रेट है 75 रुपये के जी, ठीक है, एक का 120 रुपीज़ के जी। ठीक है, इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो बाद में मिक्सचर हो जाए ना उसका रेट हो जाए 95 रुपीज़ के जी। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं होता, इधर से लेस करना है ये वाला। देखो, सबसे पहले ये वाला काम करो, यहाँ से लेस किया तो कितने बचे 20। ठीक है, और यहाँ लेस किया कितना बचा, ये 25। तो 5:4 में मिलाना है। अब जो मेन चीज़ है ना, टीचर वगैरह नहीं बताते, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये वाली जो वैल्यू होती ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, या तो ये बी से बड़ी होगी या ए से छोटी होगी। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ, तब समझ में आएगा। ये 95 है, जैसे ये 95 है, ये 75 है, ये 120 है। इस 95 से एक वैल्यू तो बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे 120 है, और एक वैल्यू छोटी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना मिक्सचर एलिगेशन में, कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे ये दे दिया और ये दे दिया, यहाँ निकालना था, यहाँ निकालना था, तो ऑप्शन में जैसे 125, 105, ठीक है, 100 और यहाँ पे 70 दे दिया। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट 70 दे दिया। तो आपको क्या करना है, एक वैल्यू तो यहाँ बड़ी है, इससे छोटी आएगी, इससे छोटी में क्या होता है, ऑप्शन 70 है तो 70 लगा दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी मिक्सचर एलिगेशन में जो भी चीज़ लिखी होगी, ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है, ए और बी से एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी। जैसे यहाँ 75 है तो इससे बड़ी होगी ये वैल्यू, ये भी बड़ी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ही बड़ी होगी, इन दोनों में से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, इससे बड़ी होगी एक, तो एक बड़ी होगी, ठीक है, एक छोटी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है, जैसे क्लर्क के एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं, अपन लोग क्या करते हैं उसको पूरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की नीड ही नहीं होती। तो अपन को बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इससे एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी मिक्सचर एलिगेशन के अंदर। ठीक है, तो अपन बेसिकली अब क्वेश्चन ही करेंगे जो हमेशा से मैं करवाता आ रहा हूँ, कि मेन जो एग्ज़ाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि दो तरह की चाय है, ठीक है, एक का 120 रुपये पर केजी, एक का 180 रुपये पर केजी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाऊं, कि जिससे जो मिक्सचर है ना ₹168 सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, में बेचने पर, मतलब 168 रुपये में बेचने पर, कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दो तरह की चाय है, ए और बी, जैसे कुछ भी लिख लिया करो भली। अब उसको 168 रुपये में बेचनी है, अब 168 रुपये में बेचने पर उसको प्रॉफिट 20% का होना चाहिए। ठीक है, तो वो किस रेशियो में मिलाए इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होगा इस बार, 120 रुपये का प्रॉफिट कितने रुपये पे होगा, 168 पे, एक पे निकाला तो 120 × 100, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 6 × 2 = 12, 4 × 48, 6 × 8 = 48, 140। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना वो 140 आ जाएगी। ठीक है, अब बन गया रेशियो अपन को जो बनाना था, 120, 180, 140। ठीक है,
ये कितना हुआ 40, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया 20, और ये हो गया 40। इधर से ये लेस करना, इधर से ये लेस करना, ठीक है, ऐसे होता है। 2:1 में मिलाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, बता देता हूँ, 2014-15 में, आजकल नहीं आते हैं। बट इसका जो मेन चीज़ है ना, वो ये वाली लाइन का आज भी यूज़ होता है, क्योंकि पता है क्वेश्चन करते हो तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं 120, और यहाँ दे रखा था 180, तो वहाँ 168 दे रखा, तो जल्दी से निकाल देते हैं, ठीक है। बट जब वो 20% का प्रॉफिट वाली लाइन लिखेगा ना, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, तब निकालना है इस कॉस्ट प्राइस पे, तब ऐसे करके ये निकालना है। तो बस आजकल इस लाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 20% प्रॉफिट वाला, क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसे। बस क्वेश्चन को पूरा सुनना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आता है एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बर्तन है, ठीक है, उसके अंदर 60 लीटर दूध है, मिल्क, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, 6 लीटर मिल्क निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसके स्थान पे क्या करते हैं, उसके प्लेस पे 6 लीटर पानी मिला देते हैं, वाटर, 6 लीटर वाटर मिला दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से इसके अंदर फिर से 6 लीटर मिल्क निकाल के 6 लीटर वाटर मिला दिया, ठीक है। ये सब प्रोसेस होने के बाद में, प्रोसेस होने के बाद में मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है कि हम कितना मिल्क है और कितना वाटर है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ 60 लीटर, यहाँ पे कितना भी मिल्क हो सकता है, ठीक है। कहीं सोचो 66, इसलिए 6 ये लिखा हुआ है, 60 है तो ऐसा सेम आएगा। यहाँ पे 80 लीटर भी हो सकता है, जिसमें से 6 निकाल दिया गया हो, 6 इधर से वाटर, मतलब निकालेंगे सेम ही। यदि यहाँ से 6 लीटर मिल्क निकाला है तो 6 लीटर वाटर ही निकालेंगे, ठीक है, तो सेम ऐसा ही, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इसके अंदर ये प्रोसेस हुआ कितना बार है। देखो अब प्रोसेस एक बार ये हुआ है, एक बार ये हुआ है, टोटल प्रोसेस कितना बार हुआ है, सॉरी ये वाला हुआ है, 2 बार प्रोसेस हुआ है। तो अपन को सिर्फ ये चीज़ मेन ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कितनी बार प्रोसेस हुआ है, ठीक है। मैं पहले तो क्या फॉर्मूला बता देता हूँ, होता क्या फॉर्मूला, ए इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस पी बाई एक्स का एन, ठीक है। अब कुछ बुक में पता है कैसे लिखा होता है, एक्स 1 - p/x की पावर एन, किया कुछ नहीं होता, एक्स माइनस पी है ना, अपॉन में एक्स है, इसको तोड़ लिया, एक्स बाई एक्स लिखा, माइनस पी बाई एक्स लिखा, तो 1 - p/x, ठीक है। तो ये झमेले में पढ़ो मत कि p ऊपर आएगा x ऊपर आएगा, इसलिए आप हमेशा यही फॉर्मूला याद रखो, ये वाला सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। और फॉर्मूला याद करने का मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो अमाउंट कितना है टोटल, 60 माइनस, अब कितना निकाल रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं, अपॉन 60, यही फॉर्मूला रख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे। और प्रोसेस कितनी बार हुआ था, एन टाइम, मतलब एन टाइम मतलब 2 बार हुआ है। बस अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, 60 × 54/60 × 54/60, ठीक है, ये लिखा है, 60 से 60 कट गया, 6 × 10 = 6, 54 कितना होता है, 9 × 36, ठीक है, 3 बचा, 45 × 3 = 48.6 लीटर, ये है मिल्क, ठीक है। अब मिल्क आ गया, अब अपन को क्या करना है, टोटल कितना था, 60 में से 48.6 घटा दिया, तो वाटर कितना बच गया, 11.4, ये रेशियो अपन को निकालना था। अब देखो इसके अंदर दो चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो बता देता हूँ।
कि जैसे वो पूछ लेता है कि मिल्क कितने परसेंट था, तो ये टोटल में से उतना परसेंट निकाल देंगे तो ये मिल्क आ गया। ठीक है, सेम वाटर का भी पूछ सकता है कि 11.4/16 × 200 कितना परसेंट था। मतलब मैंने आपको इसी के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, तो मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने की नीड नहीं है। तो इसलिए अब देखो, जब भी कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, ये वाला फॉर्मूला मत देखना, 80 लीटर है उसमें से 12 12 निकाल रहे हैं। अब आपको देखना तीन बार निकाला है, कितनी बार निकाला है, 80 लिखना। ठीक है, 80 में से 12 निकाला, 68 by 80 बस ये करने की कोशिश करना। इससे अच्छा और बताता हूँ इजी, चलो ये यही कर लेना इजी, तो इससे इजी तो फिर वही वाली बात है कि आपके दिमाग में फिर पूरी साइड बिठानी पड़ेगी। जैसे दो बार प्रोसेस होता है ना, तो एक बार 80 का डिवाइड करना होता है, जैसे 68 × 68/80, तो ये ध्यान रख लेना। ये वाली वैल्यू से कट तो जाएगी, इसलिए जब दो बार का प्रोसेस हो तो एक बार, जब तीन बार का प्रोसेस हो तो एक बार 80 और आ जाएगा, बस 2 80 लगाने पड़ेंगे। चार बार का हो तो 3 80, मतलब 1 80 कम करना पड़ेगा जितना भी हो। ये वाला जो ये पी होता है ना, सॉरी एक्स होता है, टोटल जितना भी उसके अंदर दे रखा है, तो इस चक्कर में बस इतना से ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट का आंसर करके निकालना है। ठीक है, टोटल 40 लीटर मिल्क है, 4 लीटर मिल्क निकाल लिया है और 4 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सेम बाद में एक प्रोसेस और किया, मतलब और ये 4 लीटर वाटर, तो ये दो बार प्रोसेस किया है। ठीक है, तो अपन मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बस आपको करके दिखाना है क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है और है किसका, RRB क्लर्क का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। अभी अपन ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, A = x - P / x किया, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस बार बस इतना से चेंज करना है, इस फॉर्मूले को यहाँ लेके जाना है और एंड टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बताता हूँ क्या था। कोई बर्तन है जिसमें से दूध भरा हुआ था, पूरा पूरा, जैसे ही कोई बर्तन है इसमें पूरा दूध भरा हुआ है। अब इस दूध में इसमें 12 लीटर मिल्क अपन ने निकाल लिया। ठीक है, 12 लीटर मिल्क निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया। ठीक है, सेम इस प्रोसेस को अपन ने दो बार किया, फिर 12 लीटर मिल्क, फिर 12 लीटर वाटर। ठीक है, तो लास्ट में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आया ना, वो रेशियो आ गया 16:25। ठीक है, तो अब अपन को बताना है इसके अंदर कितना पूरा का पूरा, कितना लीटर है, पूरा कितना भरा हुआ था, ये बताना है। ठीक है, अब अपने पास में एक तरह से A/X का जो रेशियो दे रखा है ना, वह है 16:25। ठीक है, जो लास्ट में आया, ठीक है, 16:25 एक्स माइनस कितना लीटर निकाल रहे हैं, 12 एक्स में से निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसकी पावर 2, क्योंकि दो बार ये काम किया। तो अब इस क्वेश्चन को जब करेंगे, ये स्क्वायर से यहाँ पे रूट लगा दो, 4/5 एक्स माइनस 12x, ये हो गया 4x, ये 5x - 16, तो x बराबर 60 आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन वापस करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। शराब से भरा हुआ कोई पात्र है, ठीक है, ऐसे कोई, ठीक है, और उसमें से 10 लीटर शराब निकाल ली। ठीक है, निकाल ली और उतना ही उसमें वाटर मिला दिया, मतलब 10 लीटर इसमें वाटर मिला दिया। तो ये दो बार किया जाता है ये काम, भी वापस से प्रोसेस किया जाता है, तो
तो लास्ट में जो ड्रिंक और वाटर वाली जो रेशियो होता है ना, तो शराब और वाटर का जो रेशियो होता है वो होता है 49:81। ठीक है, तो वही टोटल यही बताना है। करना क्या है, बस जो यहाँ लिखा हुआ है बस वैसे वैसे लिखना है। निकाल लिया फोन में कितना है एक्स, दो बार काम करना है। ठीक है, इधर से रेशियो निकाला तो ये 7:9 एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स, तो 7x इज इक्वल टू 9x माइनस 90, ये आ गया 2x बराबर में 90, x बराबर में 45 आ गया आंसर। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा भी डाउट था, ये खपतियों के डाउट होते ही होते हैं। यहाँ पे सर रूट नहीं बना तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बात ही ख़त्म। ये हमें किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पे जब तक रूट नहीं आएगा ना, जैसे रूट की वैल्यूज़ आनी चाहिए यहाँ पे, यदि रूट की वैल्यू नहीं आ रही तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, रूट की वैल्यू नहीं आ रही तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो हमेशा रूट की वैल्यू दी होगी। ये वाला क्वेश्चन ना पता क्या है आपको, यदि कोई एक्स वाई ऐसे समझाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बट अपन देसी तरीके से समझाऊंगा मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में होगा क्या कि जैसे बस आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने वो बताया था ना कि स्क्वायर बनना ही चाहिए तभी वो आंसर आएगा पीछे वाला क्वेश्चन। अब जैसे एक बर्तन है दूध से भरा हुआ, ठीक है, इसमें से क्या हुआ 5 लीटर अपन ने मिल्क निकाला, 5 लीटर अपन ने वाटर डाल दिया, ये दो बार अपन ने ये दो बार काम किया। उसके बाद में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 81 और 99, ध्यान से सुनना 81 और 90, यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा क्वेश्चन नहीं बन रहा, बट अब इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है 2018 IBPS PO में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अब अपन को स्टार्टिंग की वैल्यू ही बतानी है, वही जो इसके अंदर बर्तन के अंदर कितना है। ठीक है, अपन ये काम तो करते आ ही रहे हैं अभी तक। चलो यार मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कल को ऐसे कह देंगे, चेंज कर दिया खुद नहीं। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिखते थे, वाटर लिखते थे ना, यहाँ पे क्या करना है जो मिल्क एंड वाटर को ऐड करके लिख देना ताकि स्क्वायर बन जाए। कितना हो गया, 100 हो गया, हो गया ना। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 81/100। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर को हटा दिया रूट से, 9/10 हो गया, 1-5/x हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आते हैं अपन, 1-9/10 5x। ठीक है, तो ये हो गया 1/10 5x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आपको समझ में आ गया होगा देसी इलाज करना क्या है। और एक चीज़ देखी आपने क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे छोटा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे बड़ा स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी एक क्वेश्चन बताऊँ आगे मैं आपको करने के लिए दूँगा, यदि मेरे को भी मिलता है तो मैं भी जस्ट वो क्वेश्चन आपको अभी बता देता हूँ, फिर आप वो क्वेश्चन करना। और ये वाला क्वेश्चन आप भी रखा है SBI PO 19 का प्रीलिम का क्वेश्चन है। ठीक है, वही दारू वाला काम चल रहा है यहाँ पे, तो शराब से बोतल भरी हुई है, उसमें से 8 लीटर निकाला, निकालते ही आपको अब समझ में आने लगा है 8 लीटर वाटर, ये तो आप रटने लग जाओगे अब थोड़े दिनों में, जब इस क्वेश्चन को करोगे ना, कितना निकाला इतना डाल रहे हैं। फिर उसने वापस 8 लीटर मिल्क निकाल दिया, 8 लीटर वाटर डाल दिया, टोटल इन्होंने कितनी बार इस प्रोसेस को किया, 4 टाइम्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लास्ट में मिल्क नहीं है यार, ये ड्रिंक की बात हो रही है, दारू की बात हो रही है, तो ये शराब है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख लोगे तो भी, बट मैंने स्टार्ट में बोला शराब है, तो
और पानी का रेशियो क्या बन रहा है, 16:65। ठीक है, अब इसको चार बार किया है अपन को, स्टार्ट की यही स्टार्टिंग वाला बताना है कि स्टार्टिंग में कितना था टोटल। अब क्या करना है देखो, वही एक्स माइनस 8/x4, यहाँ 4 आ गई पावर। ठीक है, 16 अपॉन में, अब देखो मैंने क्या बोला था, नीचे ऐड कर देना सेम इसी वैल्यू को, एक्स माइनस 8x4 16 अपॉन में 16, और ये 81 हो गया। अब देखो 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 18 होता है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा पावर। ठीक है, समझ में आ गई। तो अपन का सीधा क्या हुआ, एक्स माइनस 8/x 2/3। ठीक है, तो या तो इसको वैसे लिख लो 1/8x इसको लो 2/3, इधर ले आओ तो 1-2/3 इज इक्वल टू 8/x। ठीक है, 3-2 मतलब 1/3 8/x, तो x का कितना आ गया 24 लीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर नहीं बनता तो एक दूसरा तरीका होता है जब ये स्क्वायर बनेगा। ये 2017 से पहले स्क्वायर बना हुआ आता था, 2018 के बाद में स्क्वायर बनाना होता है। तो अपन को एक फॉर्मूला अपन को मैंने बता रखा है, आपको यही फॉर्मूला रट के चलना है बस। ठीक है, मैं ये नहीं लिखाता एन कितने टाइम्स होगा, ये होगा वो होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन लिखे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मेन। ठीक है, तो क्या है, 75 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें कितना पानी ऐड करें, मतलब कितना वाटर ऐड करें कि जो ये रेशियो है ना 1:2 हो जाए मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, 75 है और रेशियो है मिल्क एंड वाटर का कितना 2:1, तो कितने हो गए 3:75 125। यहाँ मिलाएंगे तो मिल्क कितना हो गया 50, वाटर कितना हो गया 25। अब अपन को कितना वाटर ऐड करना है कि जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए, बस ये क्वेश्चन है। 25+x, ये तो ऑटोमेटिकली आंसर 75 आ गया। तब आपको ऐसे लगेगा यही क्वेश्चन, ऊपर वाली वैल्यू और ये वैल्यू अलग है, ध्यान रखना। ये तो क्या बाई चांस क्वेश्चन के अंदर सेम आ गया, तब आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए। अपन को ये रेशियो बनाने के लिए कितना वाटर ऐड करना था वो बताना है। अब जो बेसिक चीज़ है वो मैं बताता हूँ, बेसिक चीज़ें क्या होती है जो अपन को ध्यान रखनी होती है। जब स्टार्ट की पहली लाइन में 75 का ही दे दिया जाए ना, तो यहाँ पे जब रेशियो में लिखेंगे तो साथ में एक्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी स्टार्टिंग की लाइन में पहले ही मिक्सचर, आगे मैं पूरा क्वेश्चन करूँगा, आज पूरा टॉपिक करवा दूँगा जितना भी सारा, आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखते रहना। ये भाई साहब 2017 IBPS PO का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, वही मिक्सचर दे रखा है 64 लीटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का, और मिल्क एंड वाटर का इन्होंने रेशियो दे रखा है 7:3। अब वो आगे क्या कह रहा है, 8 लीटर मिक्सचर निकाल दो, मतलब इसी में से निकालना है। ठीक है, उसकी जगह पे 12 लीटर मिल्क मिला दो। ठीक है, और लास्ट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये कितना मिक्सचर था 64, तो कुछ क्या करते हैं, कुछ का बता देता हूँ देन अपना बता देता हूँ, अपने वाले हिसाब से करना आप। कुछ क्या करेंगे, 10:64, 1:6.4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये करेंगे, देन बाद में 8 लीटर में भी 10 = 8, 1 = 0.8, तो वो लेस करेंगे फिर से। ठीक है, दोनों
तो अपन को वैसे नहीं करना जैसे अपन करते हैं, ठीक है। इसका तरीका बताता हूँ सीधा शॉर्टकट में। ये मिक्सचर था, ये मिक्सचर था, इसको लेस कर दो, कितना बना 56। अब अपने पास में जो मिक्सचर है वो 56 लीटर है, ठीक है। रेशियो दे ही रखा है 10 इज इक्वल टू 56, 1 इज इक्वल टू 5.6, ठीक है। अब 5.6 इंटू 7 ये होता है 56, 7 होता है 392, मतलब 39.2, ठीक है। और ये 5.6 इंटू 3 56 दिया होता है 168, 16.8 हो गया, ठीक है। अब अपने पास मिल्क आ गया, वाटर आ गया 39.2, ये 16.8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, इस मिक्सचर के बाद में 12 लीटर मिल्क मिलाना है। मिल्क मिला दिया 51.2 और ये कितना हो गया 16.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया 512 और 168, ठीक है। अब ये क्या होता है 21 8 168 होता है और 64 8 512 होता है, 868 कट गया 64:21, ये आंसर आ गया। देखो जब भी वो वाली 75 पीछे वाले क्वेश्चन की बात बताई थी ना, मिक्सचर एग्रीगेशन में जब भी स्टार्ट होगा क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट लीटर दिया हो 75 85 95, उसके बाद में रेशियो दिया हो तो करना कुछ नहीं है उसके अंदर। वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके साथ में एक्स का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे होता है ना, जैसे मैंने सीधा ही निकाला देन मैंने यहाँ पे सीधा ही रख दिया, एक्स की नीड ही नहीं पड़ी। तो एक्स की नीड तब जब भी स्टार्ट में इतना मिक्सचर दिया हो, कोई भी मिक्सचर हो, 75 ही नहीं होना चाहिए, 65 हो, कोई भी हो, उसके बाद में रेशियो दिया हो, ठीक है। आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है 19 का, ठीक है, वो बताता हूँ। मिल्क एंड वाटर का इन्होंने टोटल जो रेशियो दे रखा है 100 लीटर है मिक्सचर, ठीक है, और रेशियो दे रखा है 22:3, ठीक है। और वो कह रहा है इस मिश्रण में से 40 लीटर मिक्सचर निकालना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, निकालने के बाद में 4.8 लीटर तो मिल्क मिलाना है, ठीक है, और 4.8 लीटर ही वाटर मिलाना है, और लास्ट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है। बस इतना ध्यान रखना। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, तो पहले ही निकाल दो, कितना बना 60, ठीक है, 60 आया। अब रेशियो यहाँ पे कोई चक्कर नहीं, 22 और 3 25 हो गया, 25 की वैल्यू है 60, एक की वैल्यू 60/25, 2.4 आ गई, क्योंकि 24 × 25 600 होता है तो पॉइंट वैसे लग गया, ठीक है, 2.4 आ गई। अब देखो मिल्क एंड वाटर, 2.4 को एक बार तो 22 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे करना है, तो ये देखो 22 × 24 मैंने बता रखी है, 23 + 1 23 - 1 मतलब 529 - 1 528 52.8 आ गया रेशियो। वाटर का दे रखा है 24 × 72 होता है 7.2 हो गया। अब 4.8 वाटर मिलाना था, 4.8 मिल्क मिलाना था, तो अब क्या हो गया 57.6 और ये हो गया 12, ठीक है। बस अब इसको काट लो जो भी काटना है, मतलब ये पॉइंट हटाना है तो यहाँ 0 आ जाएगा, बस 120 जो भी आएगा रेशियो है वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। आजकल जो ट्रेंडिंग चलता है ना वो इन क्वेश्चन का चलता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर स्टार्ट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:3 दे दिया, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब स्टार्टिंग में रेशियो देना स्टार्ट हो जाए ना, तब अपन का एक्स का यूज़ करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर एक्स का यूज़ कहाँ होगा वो मैं बताऊँगा, इसीलिए मैं वो लाइन वो बार बार बोल रहा था। अब क्या कहते हैं, ये मिक्सचर दे दिया, अब इस मिश्रण में 6 लीटर वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। तो दूध मतलब मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ना, उसके बाद में 8:7 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था ये बताना है,
ठीक है। देखो 4x, क्योंकि मिल्क और वाटर का अपन को रेशियो दे रखा है, ये कितना है 3x, ठीक है। 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया, बोला ही है उसके अंदर, और रेशियो बना 8:7, 28x 24x प्लस 48, 4x 48, x बराबर में 12, x बराबर में 12 आ गया। अब उसने क्या बोला है, स्टार्टिंग का मिल्क बताना है, मिल्क कितना है 4, x माना हुआ है अपन ने एक तरह से, तो ये कितना आ गया 48 ही आ गया आंसर, 48 लीटर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपन, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 5:1, ठीक है। अब वो कह रहा है मिक्सचर से, मिक्सचर से 18 लीटर निकालना है, ठीक है। 18 लीटर मिक्सचर से निकालना है, उसके बाद में 6 लीटर वाटर मिला देना है, और बाद में मिल्क एंड जो वाटर है ना उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को बस यही बताना है, एक्स की वैल्यू ही बतानी है, वो अपन निकल जाएगी। अब करना क्या है, देखो टोटल कितना मिक्सचर है 6x, और ये कितना मिक्सचर वो कह रहा है 18, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो देखो 5x और x तो अपन को लिखना ही ये वाला, क्योंकि x मिला के लिखना मैंने बताया था ना। अब देखो ये 3 की जो अपन ने वैल्यू निकाली ना, वो देखो 3 × 5 = 15 इसमें से निकाला है, क्योंकि उसने बोला 18 लीटर मिक्सचर निकालना है इसके अंदर से, और 3 इससे निकाल लिया, और बाद में बोला है वाटर मिलाना है, क्योंकि मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, और बाद में इन्होंने बोला 3:1 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, 5x - 15 = 3x + 9, 2x हो गया, ये हो गया 24, x बराबर में 12 आ गया आंसर, x 12 आ गया। अब जैसे देखो वो पूछेगा कि स्टार्ट में अब जैसे इस ऐसे क्वेश्चन बढ़ता कैसे, स्टार्ट में टोटल कितना है मिक्सचर में, ठीक है, मिल्क एंड वाटर, देखो 5 × 6x है, इंटू मतलब 6x है, तो 6 × यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ रख देंगे 12, तो 72 आ गया। यदि वो सिर्फ मिल्क का पूछता तो 5x है, तो 5 × 12 60 हो गया। यदि इसका पूछता तो 1 × x है, तो 1 × 12, तो 12 आ गया। तो वैसे यही सब निकालना है, ये आजकल ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन करवा नहीं रहा बस बता रहा हूँ कि वैसा क्वेश्चन आता है। जैसे लिखा आता है कि 80% मिल्क है, ठीक है, उसके बाद में वो रेशियो दे रहा है 3:1 है, ठीक है। 80% मिल्क है तो आप ये सोचा करो टोटल 100 है, 100x में से 80 ये है, तो 20 अपने आप ऑटोमेटिकली जो 20% है वो वाटर है। तो बस क्वेश्चन इसी से ही हो जाता है। अब कुछ क्या करते हैं, 80x 20x, ठीक है, जो भी आगे उसने बोला कि भाई आगे 20 लीटर वाटर मिला दिया जाता है 3:1 हो जाता है, तो फिर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज में भी वो होता है, जितना परसेंट दे रखा है वो उतना उसका मान लो, बाकी वाटर का हो गया, या जो यदि वाटर का जैसे 35% दे रखा है तो अपने पास में 65% हो गया मिल्क, अपने आप ऑटोमेटिकली मान लिया करो, ठीक है, जब तक एक ही बर्तन की बात हो रही हो। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट इसी से ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो मैं करवा देता हूँ मेंस का, ठीक है। ये आ चुका है वैसे तो, इसलिए वापस से मेंस लेवल का ही बता रहा हूँ। इसीलिए देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 3:1। अब वो कह रहा है कि 32 लीटर मिक्सचर निकाला गया है, और इतना ही 32 लीटर ना वो मिल्क मिला दिया, ठीक है, और जिससे जो इनका रेशियो बन गया मिल्क एंड वाटर का वो है 4:1, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, यदि वापिस उसी बर्तन में 10 लीटर जो मिक्सचर है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वाटर कितना बच गया, ये क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा बैक करके वापस क्वेश्चन को सुन लिया करो, ठीक है, या फिर लिख लिया करो, तब आपको समझ में आने लग जाएगा। अब जैसे देखो मैं मिक्सचर एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 3 और 1 का, तो मतलब 4 हो गया, और 32 लीटर अपन को मिक्सचर निकालना है,
या 8 हो गया। तो ये देखो एक्स तो अपन ने लगाना ही लगाना है। अब 8 या 24 निकाला, इधर से कितना निकाला, 1 8 ही निकाला। अब वो कह रहा 32 लीटर तो इसने बोला था मिल्क मिलाना है, मिल्क मिला दिया। अब रेशो उसके बाद में बोला था 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है। अब ठीक है, 3x + 8x - 8 = 4:1 हो गया। तो 4x - 32 = 3x + 8 हो गया, ठीक है। तो इधर x हो गया और ये 40 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, ठीक है। x की वैल्यू 40 आ गई। तो अब देखो, तो यहाँ से मिल कितना आ गया, 40 दिया 120, ठीक है। और ये क्या है, 40 वाटर आ गया, 40 का मिल्क एंड वाटर। अब वो कह रहा है 10 लीटर वापस निकालना है। अब जो 10 लीटर निकालना है ना, वो 10 पता है किस रेशियो से निकालना है, इस वाले रेशियो से निकालना है जो ये वाला दे रखा है, बाद वाला। तो ये कहता है 5:5 = 10, क्योंकि ऐड करना होता है। तो 2 मतलब 8 तो निकालना है अपन को मिल्क से, 8 तो निकालना है यहाँ से, ठीक है। और जो ये 2 निकालना है वो वाटर से निकालना है। बट करना कैसे, देखो अपन ने 4:1 का यूज़ किया है, तो 4:1 की जो इक्वेशन है, 4:1 की इक्वेशन वो ये है। तो अपन को यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ पे रखा है 120, क्योंकि सीधा मैंने मल्टीप्लाई किया, -24 और 32, मतलब ये 8 हो गया, प्लस का 8 हो गया, ठीक है। अब निकालना कितना है वो ये देखो मैंने दिखा रखा है, 8 माइनस का 8 ये निकालना है, ठीक है। ये है मिल्क। अब मिल्क कितना हो गया, ये कट गया, 120 ही आ रहा है मिल्क तो वापस से, ठीक है। अब वाटर का निकालना है, वाटर क्या है, x माइनस 8, ठीक है। x कितना है, 40 माइनस 8 कितना हुआ, 32। 32 में से अब ये वाला 2 और निकालना है, 30, तो ये आ गया 30। अपन से वाटर पूछा था तो अपन ऐसे निकाल देंगे। इस क्वेश्चन को अपन दोबारा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा एक तरह से। मिल्क एंड वाटर का रेशियो देर का 3:1, ठीक है। और उसमें से 32 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, मिक्सचर निकाल दिया, ठीक है। और उसी में 32 लीटर वाटर मिल्क मिला दिया, 32 लीटर मिल्क मिला दिया, ठीक है। और अब क्या कर रहा है, उसके बाद में जो इनका बाद में मिलाने के बाद में जो रेशियो बन रहा है मिल्क एंड वाटर का, वो रेशियो है 4:1, ठीक है। अब वो कह रहा है वापस उसी बर्तन में से 10 लीटर निकालना है मिक्सचर, ठीक है। तो अब जो 10 लीटर मिक्सचर निकालना है ना, वो इसी में से निकालना है, इसका जो रेशियो बनेगा उसमें से निकालना है, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है जितना वाटर बच गया बस वो बताना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे देख लो, पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, ये करो क्वेश्चन। अब अपन यहाँ पे करते हैं 2 पार्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। पहला पार्ट तो अपन जो हमेशा करते हैं कि टोटल कितना है, 4 4 32 1 8 आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल रहे हैं। 8 का वैल्यू, 8 3 24, मतलब पहले 3x और ये x, ये हो गया 8 3 24 और ये 8, ठीक है। अब वो कह रहा था 32 लीटर अपन ने मिल्क मिला दिया, ये देखो 32 वाला मिल्क मिला दिया। अब उसके बाद में रेशियो क्या आ रहा है, 4:1 बन रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x + 8x - 8 = 4:1, ठीक है। 3x + 8 4x - 32, ठीक है। x बराबर 40 आ गया, तो अब देखो मिल्क और वाटर कितना आ गया अपने पास में, वहाँ वैल्यू रखनी है इसी में, 40 की वैल्यू इसमें रखनी है, 120 और ये 40 आ गया। अब वो कह रहा है 10 लीटर मिक्सचर निकालना है, तो इस रेशियो में से निकालना है वैल्यू रख के, 3x - 8x - 8 4:1 इसमें से निकालना है, ठीक है। 3x
वैल्यू रख लो 3x की, 120 हो गया, माइनस 8 हो गया, ठीक है। और इधर लिख लो 120 माइनस 8, इतना समझ में आ गया। अब जो ये 4:1 है इसका यूज़ करना है अपन को, ठीक है, इसको हटा दो अब, क्योंकि इसका मैं यूज़ करना दिखा रहा था, क्योंकि ये वाला यूज़ करना। तो 4:1 क्या होता है, 5, और 10 लीटर निकालना था, 10 लीटर निकालना था, तो एक की वैल्यू आ गई 2, मतलब यहाँ से जो निकलेगा वो 8 निकलेगा, ये प्लस है, और यहाँ से कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ये प्लस है, तो ये वाला तो 120 आ गया, मिल्क तो 120 आ गया, वाटर कितना आया, 30, ये आंसर है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा, ऑलमोस्ट मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन एकदम पूरा हो गया। अब देखो दो चीज़ें बता देता हूँ वापस से, दो जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो भी, ठीक है, वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना, यहाँ पे या तो बड़ी होगी एक वैल्यू, या छोटी होगी, या बड़ी या छोटी होगी, ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। मतलब यहाँ 85 हो सकता है, यहाँ 65 हो सकता है, चलो एक बार इसको एक बार ले लो, 85 है, मतलब ये इससे बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, 45, 55 जो भी ले लो आप, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा था कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यदि सीधा ही उसने बोल दिया कितना लीटर है, तो अपन जब भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो बनाएंगे, इसको यार आप कुछ और ही ले लो, 45 लीटर लिख लो चाहे, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बनाएंगे, ठीक है, जैसे ये बन गया 4:1 है जैसे, ठीक है, उसके बाद में रेशियो दिया होगा, तो 5 9, ये 36 और ये 9, इसके साथ में एक्स नहीं लगेगा। एक्स का यूज़ कब होगा, यदि पहले रेशियो दे दिया जाए, और आगे जैसे, सॉरी इसको ऐसे लिख लो 4:1 है, और आगे 45 मीटर या लीटर मिक्सचर दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो बनेगा, जैसे 5 ये हो गया 4x और ये x, ठीक है, इसी का ही बनेगा। अब इसी में से ये 45 निकालना है, इसमें से तब इसमें 36 यहाँ पे या 9 ऐसे करके निकालना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज ही आप सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करना, तब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।